मेट्रो न्यूजच्या ताज्या अपडेटसाठी आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. पिंपरी चिंचवड परिसरात बुलेट चोरणाऱ्या सराईत गुन्हेगारासह साथीदाराला गुन्हे शाखा युनिट 1 पथकाने अटक केली आहे. त्यांच्याकडून 17,70,000 रुपयांच्या 10 बुलेट, 2 FZ, KTM आणि पल्सर अशा 14 दुचाकी हस्तगत करण्यात आल्या आहेत. हेमंत राजेंद्र भदाणे वय 24 राहणार सातपूर नाशिक आणि योगेश सुनील भामरे वय 24 राहणार धुळे याला पोलिसांनी अटक केली असून भामरेच्या मदतीने आरोपी हेमंत हा मराठवाड्यातील बीड, उस्मानाबाद, अहमदनगर, धुळे या भागात 2 लाखांची बुलेट अवघ्या 15,000 ते 20,000 विकत असत. जी हेमंत राजेंद्र भदाणे जो कि गुरवाड़ा सातपुर नाशिक का रहने वाला है, 24 वर्षीय युवा है जो अपने आप को बुलेट राजा के रूप में घोषित करता है और अधिकांश गाड़ियां जो उसने मोटरसाइकिल्स चुराए हैं वो महंगी बुलेट गाड़ियां उसे उन्होंने चुराई है और जो कुल 14 जो मोटरसाइकिल्स की चोरियाँ उसके पास से उद्घाटित हुई है वो उसमें से अधिकांश गाड़ियां बुलेट ही है एक दो छोड़ करके. यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि पुलिस सिपाही गणेश सावंत ने जब उसे देखा कि वो बहुत ही संशयित तरीके से, संदेहास्पद तरीके से मोटरसाइकिल पार्किंग के पास घूम रहा है तो उसे 1/9/2020 को अरेस्ट कर दिया गया वहाँ से बहुत ही मुस्तैदी से और उसके बाद उसका तफ्तीश जो है वो यूनिट 1 के तांगड़े, मिस्टर तांगड़े और उनकी टीम करने लग गई और इस टीम ने ये पाया कि ये नासिक से किसी भी गाड़ी से आता है यहाँ पर, टेम्पो को किसी में भी बैठ कर आ जाता है और यहाँ पर चोरी करता है गाड़ियाँ ले जा कर के वो बुढ़िया, नंदुरबार, नाशिक, बीर इन इलाकों में फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से भेजता है. गाड़ियाँ रखने का जो इसका ठिकान था, जो इलाका, जो जगह वो रखता था वो एक योगेश सुनील भामरे, वो भी 24 वर्ष की उम्र का युवा है, उम्र था उसका, और वो उसकी मदद करता था, वो गाड़ियाँ वहाँ रखता था और उसे भी अब हिरासत में ले लिया गया है. पूछताछ जारी है कि उन लोगों ने और ऐसे क्राइम किए हैं क्या और ये भी पूछताछ जारी है कि वो किस तरह से प्रलोभित करते थे इन ग्राहकों को, क्योंकि इतने सस्ते में इतनी महंगी गाड़ियाँ उनको बेचने के लिए अगर वो पूरी तरह से दस्तावेज़ के साथ दे रहे हैं तो उन्हें शक क्यों नहीं आता था उन खरीदारों को.